इस फौज को हम इश्क और जुनून की हद तक इससे प्यार करते हैं और इसका दिफा कर रहे हैं नजरियाती महाज पर इन द इंफॉर्मेशन वॉर। ये पूरी पाकिस्तान आर्मी और ये पूरी ISI अल्लाह उसके रसूल और इस्लाम के एजेंट्स हैं। वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए वतन के सजीले। ये बात नहीं कि मुझे फौज से इख्तलाफात नहीं है, ये फौज में गलतियां बताइया नहीं है या इन्होंने गलतियां नहीं की, मगर तमाम गलतियों के बावजूद अगर पाकिस्तान को कोई चीज इस वक्त जोड़ के रखे हुए है, इस दुनिया में अल्लाह ने जिस कुव्वत को ताकत को भेजा है, अल्लाह ने भेजा है, वो पाक फौज है। पाक फौज को अगर आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या अब तो फिर उसके बाद तहरीके तालिबान इंडिया और नेटो के खिलाफ क्या मामला वाले लड़े दिखाते, रेलवे लड़ेगी जाके, OJDC मुकाबला करेगी, कौन मुकाबला करेगा? आखिर हमारे 10-15-20 जवान अफसर जो रोज शहीद हो रहे हैं, किसी से तो लड़ रहे हैं ना, वो किससे लड़ रहे हैं? आप जरा उनको बीच में से निकाल लें, फिर देखें हमारे दरवाजे तोड़ते हुए दुश्मन किस तरह करता है। तो मेरे आपके पास तो हथियार भी नहीं है। सरफरोशी है ईमां तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, सरफरोशी है ईमां तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत वो फलक बोस दीवार हो तुम, ए शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। इस वक्त अगर इस वक्त दुश्मनों को कोई चीज रोके हुए, इंडिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश इस वक्त ये है कि बीच में से कहीं पाक फौज हट जाए, जाहिर पाक फौज रुकावट डालेगी ना, कौन रुकावट डाला? फौज में होंगे कुछ लोग जो करप्ट, फौज में होंगे कुछ लोग के जो जिनकी पॉलिसी से शदीद इख्तलाफ है, अमेरिका के खिलाफ ये क्यों नहीं करते हैं, वो क्यों नहीं करते? बात ये फौज की सपोर्ट कब किया, फौज अकेले कब लड़ती है, कौमें लड़ती है, आपका मीडिया साथ देता है, हुकूमत साथ देती है, पॉलिटिक्स साथ देती है, डिप्लोमेसी साथ देती है, कौन साथ खड़ी होती है, तब फौज लड़ती है। हमने अपनी जिम्मेदारी क्या की है, कहां पीछे खड़े हुए हैं अपनी फौज के? मेरी ओ माँ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाएं, जैसे खामोशियों की जुबान से दे रही हो वो तुमको दुआएं, कौम के जरी पासवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवान, आज हमारी फौज बिल्कुल जिसको देखो फौज को गालियां दे रहा है, CIA भी गालियां दे रही है, अमेरिका भी गालियां दे रहा है, इंडिया भी गालियां दे रहा है, तहरीके तालिबान भी गालियां दे रही है, पाकिस्तानी मीडिया भी गालियां दे रहा है, और हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर भी गालियां दे रहे हैं। या तो हम भी अहमक बन जाए बाकी सब की तरह, उस भेड़ चाल में शामिल, हम भी दो लात और दो जूते हम भी लगाएं फौज को इस वक्त, या लोगों को या होश दिलाएं कौम को कि होश में आओ, दिस इज नॉट द टाइम फॉर अकाउंटेबिलिटी। जो गलतियां हो गई हैं सो हो गई, ये वक्त है कौम को फौज के साथ इकट्ठे होने का, वरना जंग तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुकी है।
ये नहीं कि दाखिल होगी, दाखिल हो चुकी है। सवाल तुम्हारे लोग थे ना, 25 लाख घरों से निकलना पड़ा, बच्चे उठाई गई वहां से लोगों के घरों से। सवाल के लोगों ने फौज को इन्वाइट किया कि भाई ये सरकारी जान छुड़ाए, अभी हर रोज खुद कुछ हमला करते हैं, कराची से लेकर शाम तक कहीं नहीं पता ही नहीं लगता, कम वक्त दुश्मन लोगों में घुसा हुआ है, खजाना खाली है, फौज के पास लड़ने के लिए फ्यूल पेट्रोल हथियारों की कमी हो गई है, इतनी भारी कैजुअल्टीज आ रही है कि इतना तो हमने इंडिया और इंडिया के खिलाफ जंग में कभी इतनी कैजुअल्टीज नहीं ली थी, और कौम का हाल यह कि फौज को गाली दे रही है। क्या हमारा दिमाग खराब हो गया बिल्कुल ही? सलाउद्दीन अयूबी की वो बात भूल चुके हैं, उन्होंने कहा था कि जब किसी कौम को तबाह करना हो तो फौज में और कौम में नफरत पैदा करता, वो कौन खुद ही दबाव जाए। हम इतने बेवकूफ हैं कि हमें यह नजर नहीं आ रहा कि दुश्मन भी यही चाह रहा है। किसी अल्लाह के बंदे ने बात कही थी कि तुम ये नहीं जानते हो कि हक किस तरफ है, तो ये देखो दुश्मन के तीर किधर गिर रहे हैं, जहां दुश्मन के तीर गिर रहे हैं वही हक है। अगर CIA ISI के खिलाफ बोल रही है, CIA पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, NDS पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, और अगर मैं भी आर्मी के खिलाफ बोलने लगा तो मुझमें रॉ में CIA में और TTP में क्या फर्क रह जाएगा? आर्मी ने की होंगी गलतियां, बताइए हम बाद में अलग बैठ के बात कर लेंगे उनसे कि यार ये ठीक करो, ये चीज ठीक नहीं है, इसको ठीक करना। इस वक्त यार इन द मिडल ऑफ द बैटल, इस वक्त मैदान में चलना बैठे, ये वक्त नहीं है अकाउंटेबिलिटी और हिसाब किताब करने का और फौज को डिमोरलाइज करने का। बेशर्म बेगैरत होगा वो शख्स, गद्दार होगा पाकिस्तान उम्मत रसूल का, जो इस वक्त पाकिस्तानी फौज को डिमोरलाइज करके इसको तबाह करने की बात है। ईमान तुम्हारा जुर्रतों के परस्तार हो तुम, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत सरहदों की वो फलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शुजात के दिल दा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले।